मेरे चैनल स्टडी माय वे डबल एंड डबल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमने क्लास सेवन्थ की बाल महाभारत कथा को शुरू किया है। इसके 6 चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ। आपको यदि वो रीड करना है तो आप चैनल पे जाके मेरे विजिट कर सकते हैं। और सेवन्थ की क्लास की मैंने साइंस का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कराया है, तो आप उसको भी जाके दे सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मैं आगे ये लेसन कंटिन्यू करूँ महाभारत कथा, तो आप इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप मेरे को मोटिवेशन नहीं करेंगे तो मुझे क्या होगा कि मैं आगे बना नहीं पाऊँगी, तो आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। इसमें है हमारा सेवन भीम। तो जो 5 पांडव थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में शासक रहने लगे थे। मतलब सब भाई एक साथ रहते थे, खेल कूद हंसी मजाक में सब वे साथ ही रहते थे। मतलब हंसी मजाक भी करते थे, खेल कूद भी करते थे, सब एक साथ करते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था, मतलब सबसे शक्तिशाली था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाई को खूब तंग किया करता था, यद्यपि भीम के मन में किसी से वैर नहीं रखा था। मतलब जो बच्चे होते हैं आपस में खेलते हैं कूदते हैं सबको, लेकिन आपस में वैर भावना नहीं थे, तो भीम में भी ऐसे था। और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था वो। फिर भी दुर्योधन और उसके जो भाई थे, मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। उनको वो कहते थे कि सोचते थे कि दुर्योधन उसके भाई की तुम्हें हमको तंग करता है, हमसे द्वेष करता है, चिढ़ता है। इधर सभी जो बालक थे उसी समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरव से आगे था। तो ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि विद्या सीखने में कौन ज़्यादा आगे था, तो पांडव थे। और उन्हें अस्त्र विद्या का ज्ञान किसने कराया, तो उन्होंने के कृपाचार्य, गुरु कृपाचार्य ने। इससे कौरव और खींचने लगे मतलब तो कि चिढ़ने लगे उनसे। दुर्योधन पांडव को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता, कोशिश करता रहता। भीम से तो उसका जरा सा भी नहीं पटती थी। एक बार सब कौरव ने आपस में, क्योंकि दोनों ही गदा में थोड़े धुरंधरे थे दोनों, दुर्योधन भी और भीम भी, इसलिए भी एक दूसरे से कंपटीशन करते थे, प्रतिस्पर्धा करते थे। इस प्रकार सब कौरव ने आपस में सलाह की और निश्चय किया कि भीम को क्या किया जाए। तो भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए, और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को भी कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से सारे राज्य उनके हाथों में आ जाएगा, सारा अधिकार उनके हाथों में हो जाएगा। क्योंकि जो धृतराष्ट्र था वही राजा था, तो राजा का ये पुत्र क्या बनता था, राजा बनता था। इसलिए दुर्योधन ये कहता था, क्योंकि युधिष्ठिर उसमें उसके रास्ते में आता था कि वो सबसे बड़ा था। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया दुर्योधन ने, और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। डेरों का मतलब होता था कि जहाँ पे वो अपने सारे दिन प्रतिदिन कीड़ा करके और रात को आराम करते थे, सोते थे। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया, जहर मिला दिया। सब लोग खूब खेले तैरे थे, जो सो सो कर सब थक गए थे। भीम तो विष के कारण गहरा नशा हो गया था उसको, और वह डेरे पर नहीं पहुंच पाया, और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत पे ही गिर पड़ा। तो ये भी पूछा जाता क्वेश्चन कि कहाँ गिरा था, वो गंगा नदी के किनारे। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से, मतलब जो पेड़ होते हैं, तो पेड़ की जो लताएं होती हैं जिसमें पत्ते ऐसे मतलब लपेटे लिए होते हैं उसमें, तो उसको वो लताएं बोलते हैं, उससे उसके हाथ पैर बांधे और गंगा में बहा दिया उसको। लताओं से जगड़ा हुआ भीम शरीर गंगा की धार में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया, कि मेहनत उसको मार दिया, तू सफल हो गया अपनी जो भी तूने छल कपट किया उसके साथ। यह युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया, तो जब उन्होंने देखा कि हमारा भाई यहीं नहीं है, तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल और गंगा का वह किनारा जहाँ जल किरण की थी छान मारा, मतलब जहाँ पे वो खेल रहे थे बच्चे, मतलब तैरना वगैरह वो जो क्रिया करते थे जल वाले, पर भीम का कहीं पता न चला। आते वो सब निराश हो गए, और निराश होकर दुखी हृदय से अपने महल को लौट गए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता जामता चला आ रहा है। पांडव और कुंती के आनंद का तो ठिकाना ही न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी ही चिंता हुई।
उसने फितुर को बुलाया। फितुर क्या थे, वहाँ के मंत्री थे और एक दासी के पुत्र थे। और अकेले में उसने बोली, दुष्ट दुर्योधन, जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा था। तो वो कहते हैं कि वो जानती थी कि जो दुर्योधन है वो हमारे बच्चों से ईर्ष्या करता है, राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजन थे कुशल विदुर कुंती को समझाते बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु जो कुशल इसी में है कि मतलब भलाई इसी में है कि आप इस बात को अपने तक ही रखो, प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो उसका द्वेष और बढ़ जाएगा। जहाँ बच्चों को ज़्यादा डांटते हैं यदि हम प्यार से उसको कहेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो आज भी ऐसे बच्चे होते तो इस तरह से ईर्ष्या करता है। तो उन्होंने बोला कि आप चुप रहिए, नहीं तो वो और भी द्वेष करेगा कि मेरी मतलब भीम की वजह से मैं मुझे डांट पड़ी है। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना है। मतलब उसको पता लग गया था कि दुर्योधन ने उसके साथ छल कपट किया, इसलिए वो उसको उससे बदला लेने जा रहा था जब इनके भाई ने उनको टोका। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार से एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहना है। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसका हृदय और जलने लगा। वो तो पूरी हो गई, मेरी तो जो सारी मेहनत पे पानी फिर गया है। अब इसमें जो हमारा है पाठ कर्ण, ये आठवां, पांडव ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। तो ये पूछा जा सकता क्वेश्चन कि पांडव ने पहले किससे शिक्षा प्राप्त की, मतलब शिक्षा पहले कृपाचार्य से, गुरु कृपाचार्य से और फिर द्रोणाचार्य से। उनको जब विद्या में काफ़ी निपुणता प्राप्त हो गई, मतलब काफ़ी अच्छे हो गए, तो एक भारी समारोह किया गया, बड़ा समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने आए थे, तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वह सबसे बढ़कर निकले। आपस में प्रतिस्पर्धा बड़े ही जोर से थी, परंतु तीर चलाने में पांडुपुत्र अर्जुन का कोई भी उसे कंपटीशन नहीं कर सकता था। तो ये था सबसे ज़्यादा धनुधारी था, इसलिए धनुधारी बोलते हैं उसको। अर्जुन ने धनुष विद्या कमाल का खेल दिखाया। धनुष विद्या में उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के सभी उपस्थित लोग दंग रह गए, मतलब औचक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। यह देखकर दुर्योधन का मन ईर्ष्या से जलने लगा, वो फिर जलने लगा, क्योंकि तो उनकी जो मतलब उनको देख ही नहीं पाता था कि वो अच्छा कोई काम करे। अभी खेल ही हो रहा था कि इतने में रणभूमि के द्वार पर खम ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल में आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। यह जो युवक था और कोई नहीं था, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण था। कौन अधिरथ जो सारथी था, तो उसने इसको पाला था जब जो माता कुंती ने उसको उस बॉक्स में बहा दिया था, मतलब उसमें करके। लेकिन क्योंकि वो जानते कि अभी तो मैं कुंवर हूँ, इससे मेरे क्या होगी, मेरे इज्जत पे आ जाएगी, तो इसीलिए और मेरे परिवार पे भी, तो इसलिए उसने क्या करा कि उसको बहा दिया था कर्ण को। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को मालूम नहीं था, वो सिर्फ कुंती जानती थी। रणभूमि में आते ही उसने अर्जुन को ललकारा, अर्जुन जो भी कर्तव्य तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर कौशल मेरे में मैं दिखा सकता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो वो कहता चुनौती देता है करुणाकर। इस चुनौती को सुनकर दर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच गई, पर ईर्ष्या की आग से जलने वाला दुर्योधन को बड़ी रात मिली। उसको तो अच्छा लगा कि कोई उसके कॉम्पिटिशन में आया है। वे बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने तपाक से कर्ण का स्वागत, मतलब एक तपाक का मतलब एकदम कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर बोला, कहो कर्ण कैसे आए? तो बोलता कैसे आए तुम, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कर्ण बोला, राजन मैं अर्जुन से द्वंद युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। कहते कि मैं अर्जुन से बराबरी का युद्ध करना चाहता हूँ कि दोनों युद्ध बराबर के हैं, धनुष विद्या में दोनों ही समान है। तो कहते कि मैं तुरंत युद्ध करना चाहता हूँ और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। अर्जुन को क्यों चुनौती दी? तो दर्शकों ने तालियां बजाई, उनके दो दल बन गए, एक दल था जो अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा था कर्ण को। इसी तरह वही इकट्ठी स्त्रियों के दो दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखा और पहचान लिया और भय और लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई, मतलब बेहोश हो गई। उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत किया। चेत का मतलब क्या होता है? उन्हें होश दिलाया। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात भी, अज्ञात मतलब उसको कोई जानता नहीं था कर्ण को, तो अज्ञात का मतलब जिसे कोई ना जाने, अज्ञात भी महाराज
पांडु के पुत्र और कुरु वंश की वीर अर्जुन तुम्हारे साथ तुरंत युद्ध करने के लिए तैयार है। कह रहे कि जो कुरु उसके कुरु वंश कहते हैं, तो कह रहे कि तुम्हारे साथ तुरंत प्राप्ति का युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम्हें पहले अपना परिचय दो। पहले तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और किस राजकुल को तुम विभूषित करते हो, मतलब किस राजकुल को तुम सम्मानित करते हो। द्वंत जो युद्ध था बराबर वालों से में ही होता है। कुल का परिचय मतलब जो कुल है अपने परिवार का परिचय पाए बगैर राजकुमार का विभेद द्वंत करने को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर झुका है, क्योंकि वो तो क्या होता, सारथी का पुत्र था। कर्ण को इस तरह देखकर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ, तो उसने बोला, अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। देखो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि अंग देश का राजा कौन था, तो कर्ण था। किसने बनाया था, दुर्योधन ने बनाया था उसको। यह कहकर दुर्योधन ने तुरंत पितामह भीष्म एवं पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर वहीं रणभूमि पर राज्याभिषेक की सामग्री मंगवाई और कर्ण का राज्याभिषेक करके अंग देश का राजा उसको घोषित कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, मतलब जो सारथी था वो आ गया, उसके पिताजी आ गए जो कर्ण के, जिन्होंने पाला था उसको, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ और भय मारे कांपता हुआ सब प्रविष्ट होगा। प्रविष्ट का मतलब वहाँ पे प्रकट हो गया। कर्ण को अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रख कर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उनके आगे सर नवाया, सर झुकाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कह कहा कर मार कर हंस पड़ा और बोला कि सारथी के बेटे, मतलब पहले क्या था कि अपने बराबरी वालों को ही अच्छा मानते थे, बाकी अपने इच्छों को ना नीचे, मतलब नीची दृष्टि से देखा जाता था। तो इसी तरह से जो भीम था उसने उसकी हंसी उड़ाई कर्ण की, तुम तो सारथी के बेटे हो, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो ना, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से कर्ण के साथ तुरंत युद्ध करने के लिए योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूरज भी डूब रहा था, इस कारण सभा विसर्जित हो गई और मसालों और दीपक की रोशनी से दर्शक वन अपने अपने पसंद के अनुसार अर्जुन और कर्ण और दुर्योधन की जय जयकार, दुर्योधन की क्या करने लगे, इनकी सबकी जय जयकार करने लगे। इस घटना के बहुत समय के बाद एक बात इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और जन्मजात कवच कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की जो शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है, तो इस कारण से कर्ण की ताकत कम करने के लिए इच्छा से उन्होंने वैभ से भिक्षा मांगी कि तुम अपना कवच कुंडल दे दो। किसको, कर्ण को। और किसने मांगा था, इंद्र ने। कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने के लिए आने वाला है, तो इस तरह से सचेत था। लेकिन फिर भी जो कर्ण था इतना दानी था कि कुछ मांगने पर भी किसी को मना नहीं कर सकता था। इसलिए उनको दानवीर कर्ण भी बोलते हैं। ये जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा देने आ रहा है, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर उनको भिक्षा में दे दी। इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्रचकित रह गए, कर्ण की प्रशंसा करते बोले, कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र मुझे दे दो कि जिससे मैं शत्रुओं का नाश कर सकूं। बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को भी लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका जो प्रयोग कर सकते हो, मतलब उसने बोला कि तुम एक बार ही प्रयोग कर सकते हो और तुम्हारा शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र वहाँ से चले गए। अब एक बार जो कर्ण थे वो परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा प्रकट हुई उनको। तो पहले क्या होता था कि जो भी मतलब शस्त्र सीखे जाते थे, धनुविद्या जी जाती थी या विद्या का ज्ञान दिया जाता था, वो क्षत्रिय को दिया जाता था, ब्राह्मण को दिया जाता था, जो नीची जाति के जो लोग होते थे उनको नहीं दिया जाता था। तो इसलिए कर्ण को परशुराम जी के सामने ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, तो उन्होंने सोचा कि मुझे तो देगा नहीं क्योंकि मैं तो एक सारथी का पुत्र, तो इसलिए उन्होंने झूठ बोला कि मैं तो क्या हूँ, एक मतलब ब्राह्मण। तो इसीलिए ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास आए कौन कर्ण और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करके आप मुझे अपना
चेला बना लिया, अपने शिष्य बना लिया। परशुराम जी ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया, अपना चेला बना लिया और इस पर छल से कर्ण ने परमास्त्र चलाना सीखा। एक दिन परशुराम कर्ण की जांग पर सिर रखकर सो गए थे। परशुराम जी आराम कर रहे थे तो वृक्ष हो गई, इतने में एक काला भोरा कर्ण की जांग के नीचे घुस गया और उसको काटने लगा। तो काला भोरे का मतलब एक तरह से यदि हम देखें तो महाभारत वगैरह में तो देखते हैं कि वो बिच्छू टाइप था, बिच्छू में तो इस तरह का ही था, कोई कीड़ा था तो और काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई, बहुत दर्द हुआ और जांग से क्या हुआ लू मतलब खून की धारा बहने लगी। और कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए जांग की जरा जांग को अपनी जरा सभी नहीं हिलाया डुलाया। जब खून से परशुराम जी की देह मतलब जो शरीर है वो भीगने लगा तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांग से तो खून बह रहा है। तो अब यह देखकर परशुराम जी बोले, बेटा सच बताओ तुम कौन हो, क्योंकि जो इतना जो खून बह मतलब इतना जो सहन कर सकता है ब्राह्मण नहीं कर सकता। तो परशुराम जी कहते कि तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा कम दिया है। तो वो कहते हैं कि तुम ब्राह्मण है, क्षत्रिय क्षत्रिय में ही इतनी सहन मतलब सहनशीलता होती है कि वो इतना दर्द को सहन कर सके, इसलिए तुम सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण ने असली बात न छिपा सका, उसने कहा कि वह ब्राह्मण नहीं गतपल की वह सूत करना है। जानकर परशुराम को बड़ा ही क्रोध आया, अतः उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को श्राप दे दिया। वैसे उन्होंने बोला कि ये क्षत्रिय है, जो मतलब तुम क्षत्रिय हो, तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन फिर भी उसने सच तो बोला कि मैं मतलब एक सारथी का बेटा हूँ, सुत पुत्र हूँ, लेकिन फिर भी उनको परशुराम जी को क्या हुआ था, उनको यकीन नहीं आया था। तो अब उन्होंने क्या करा, उनको क्रोध आया, उन्होंने उनको श्राप दिया। उन्होंने बोला कि चूंकि तुमने तो अपने गुरु को ही धोखा दे दिया, उन्होंने बोला कि तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण करके तुमने मेरे से विद्या ले ली, वह अंत में तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी, ऐन वक्त तुम उसे भूल जाओगे, रण क्षेत्र में तुम्हारा रथ का पहिया पृथ्वी पर धर जाएगा। तो कर्ण जब अर्जुन से युद्ध कर रहा था कुरुक्षेत्र में तो उसके साथ यही घटना हुई थी, क्योंकि जो ये जो श्राप दिया था ये परशुराम जी ने दुआ था वो बाद में सचवार वही उसके मौत का कारण बना था कर्ण की। परशुराम जी का ये श्राप छूटा नहीं हुआ, जीवन भर कर्ण को उनकी सिखावी ब्रह्मास्त्र विद्या याद नहीं रही, उनको याद ही नहीं रही। और प्रकुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह याद नहीं रहे और दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण के अंत समय तक कौरव का साथ न छोड़ा, मतलब क्योंकि दुर्योधन ने उसको क्या दिया था, इज्जत दी थी जब वो अपने कौशल को दिखाने के लिए आए थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये होता है मित्रता, उसको पता था कर्ण को कि तू मर जाएगा, उसे ये भी पता था कि तू कुंती पुत्र है, यदि तू आज फिर भी पांडव से सरेंडर अपने आप को समर्पित कर देगा तो वे तुझे माफ़ कर देंगे, भाई मिला। लेकिन फिर भी उसने क्या नहीं छोड़ा, दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने उसका मित्रता का वादा निभाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम और आचार्य द्रोण के आहत हो जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया, मतलब वो करता था कि जिसे भी युद्ध में भेजना होता था दुर्योधन को उसको सेनापति बना दिया जाता था। तो उससे भीष्म पितामह भी चले गए थे, फिर आचार्य द्रोण भी चला गए थे, कृपाचार्य भी चले गए थे, और जो सबसे बाद में गया था फिर वो गया था कर्ण। कर्ण के दो दिन तक अद्भुत कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया गया। कर्ण इतना शक्तिशाली था कि अर्जुन को हरा सकता था। तो इसीलिए सब पूछिए, कुछ किशन जी ने भी मतलब उसको छल कपट करके या फिर उससे कुछ भी करके तो उसको, क्योंकि यदि कर्ण जीत जाता तो क्या होता, अधर्म की जीत होती, तो उनको था किशन जी को धर्म को ही जिताना था, तो इसीलिए उन्होंने इस तरह की विडंबना रची थी। जब सांप वश के रथ पहिया जमीन में धंस गया तो वह धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा, तभी अर्जुन ने उस महारथी का प्रहार किया। माता कुंती ने जब यह सुना तो वह दुख का पाने रहा। किशन जी ने भी जब लास्ट टाइम में जिस दिन अर्जुन और मतलब उसका कर्ण का युद्ध होने वाला था तो किशन जी ने भी समझाया कि तुम कुंती पुत्र हो, तुम जाके अपने भाइयों से मेल कर सकते हो, लेकिन कर्ण नहीं माना। कर्ण ने बोला कि मैं अपने मित्रता को निभाऊंगा अपने मरते दम तक। तो ये ही इसकी चैप्टर था, तो ये मैंने दो करवा चुकी। आगे में यदि आपको मेरा ये पढ़ाना तरीका अच्छा लगा तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आगे में ये महाभारत कथा आपको लगातार देती रहूँगी इसके लेसन। तो इसकी तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।